आजकल भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है ट्रैफिक जाम। कहीं समय पर पहुंचना हो और सड़क जाम हो तो हम अक्सर सोचते हैं कि काश हम उड़ सकते और इस ट्रैफिक से बच जाते। तो लीजिए, आपकी इस ख्वाहिश को नीदरलैंड की पालवी कंपनी साकार करने जा रही है। जी हाँ, अब भारत में भी उड़ेंगी कारें। उड़ने वाली कार का सपना जल्द ही पूरा होने जा रहा है। पर्सनल एयरलैंड व्हीकल यानी पालवी कंपनी 2021 में भारत में उड़ने वाली कार को बनाना शुरू कर देगी। हाल ही में पालवी कंपनी ने गुजरात सरकार के साथ MOU साइन किया है। पालवी कंपनी गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार भी पालवी को प्लांट लगाने के लिए हर तरह की सहायता दे रही है। कंपनी को 110 कारों के एक्सपोर्ट का ऑर्डर अमेरिका और यूरोप से मिल भी चुका है। अब आपको इस कार की खासियत के बारे में बताते हैं। इसमें दो इंजन होंगे जो कि छोटे एयरक्राफ्ट के रोटेक्स इंजन हैं। ज़मीन पर इस कार की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं आसमान में ये कार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकेगी। एक बार टैंक फुल करने पर यह 500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकेगी। इसमें दो लोगों के बैठने की जगह होगी। ये कार 3 सीटर है, लेकिन उड़ते समय 2 सीट वाले गायरोकॉप्टर में सिर्फ 10 मिनट में तब्दील हो जाएगी। इस कार को मेंटेन करना काफ़ी आसान है। इसके साथ ही कार में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी है। इसे उड़ाने के लिए कंपनी खरीदारों को 35 से 40 घंटे में ट्रेनिंग देगी। आपको बता दें कि अगले 15 महीने में ये सपना गुजरात में साकार होता नज़र आएगा। पालवी का मानना है कि गुजरात में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जिससे उन्हें कारोबार करने में आसानी होगी। हालांकि भारत में इसे उड़ाने के लिए कोई नियम अभी तक तय नहीं है। ये कारें भविष्य हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।